सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको निरोग ध्यान बतलाने जा रहा हूँ। बहुत भक्तों की यह जिज्ञासा होती है कि क्या कोई ऐसी सरल विधि और कोई गारंटेड तरीका है जिससे कि हम अपने किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारा इस पर शोध किया हुआ है और यह काफ़ी प्रमाणिक है। और ध्यान के माध्यम से हम किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? जो फिजिक्स जानते होंगे वो जानते होंगे क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो फोटोन भी है, यानी प्रकाश की जो प्रकाश जो है और इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो प्रकाश में फोटोन होते हैं और तरंग होती है, और इलेक्ट्रॉन भी तरंगनुमा होता है और उसका कणनुमा भी होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। तो वेव जो है वो ऊर्जा के रूप में है, और जो पार्टिकल होगा वो पदार्थ के रूप में आ जाएगा। यह मोटी बात है। अब इसके बाद क्या होता है, वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, जब फोटोन को या इलेक्ट्रॉन को, तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और उसका जो कण वाला हिस्सा है, यानी वह पदार्थ के रूप में वो लोकेट हो जाता है, यानी वो पदार्थ के रूप में व्यवहार करता है। इस चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझ लिया था। भले इतनी बारीकी से उन्होंने इसको व्याख्यायित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वह जो है चरितार्थ होने लगता है। किसी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वह चरितार्थ होने लगता है। अपनी भी कोई भी कल्पना, कोई भी चीज़ को हम जब अच्छे से उसके नक्शे को बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह चरितार्थ होने लगता है। उधर जो है प्रवाह होने लगता है, ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, और वे अंग प्रत्यंग जो है वे ठीक होने लगते हैं, या हमारा जो भी काम है वह सही होने लगता है, बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है। यदि हम वैसे देखें, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। तो कुछ कम उम्र के लड़के लड़कियां मजाक उड़ाते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, भला ऐसे कोई बोल देने से थोड़ी बुरा होता है, लेकिन होता है, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। यदि आप बोलते हैं तो इसका मतलब है आप सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप वहाँ पर उसको एक ठोस रूप देने का कोशिश करते हैं, पदार्थ रूप देने की कोशिश करते हैं। तो जो भी चीज़ आप सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, पूरे नक्शे के साथ सोचते हैं, पूरी योजना के साथ सोचते हैं, तो क्या होता है कि उसका आकार उभरने लगता है, वहाँ ऊर्जा जो है पदार्थ का रूप धारण करने लगती है। तो यह जो है निरोग ध्यान जो है वो इसी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को पाया है कि हम लोग को यदि किसी अपने किसी खराब अंग को ठीक करना है, किसी बीमारी को ठीक करना है, तो हम लोग को क्या करना है कि सोचना है। और सोचना है तो कैसे सोचना है, उस अंग के विषय में सोचना है, या उसके कारण जो तकलीफें हैं उसके विषय में सोचना है। जो अंदरूनी अंग हैं, जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, तो यदि आप अच्छा से श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो आपका फेफड़े का कुछ एहसास होगा, नली का एहसास होगा। यदि आपका हृदय धड़क रहा है, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको हृदय के पंप का कुछ पता चलने लगेगा। तो शरीर के अंदरूनी कुछ अंगों का भी पता चलता है। यदि आपको नहीं पता चलता है अंगों का, तो कम से कम उससे संबंधित जो बीमारी है उसका तो पता चलता है आपको।
जो तकलीफें हैं उसका पता चलता है, तो उन तकलीफों पर आप विचार कर सकते हैं। और जो बाहरी अंग हैं, जैसे हाथ दर्द कर रहा है, कमर दर्द है, कलाई में दर्द है, केहनी में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, आँखों में परेशानी है, कान में परेशानी है, सर्दी जुकाम में ये सब है, गले में परेशानी है, मुंह के भीतर परेशानी है, आपके यौन अंगों में परेशानी है, वहाँ कोई दिक्कत है, आपके मल द्वार में कोई परेशानी है, पैर के तले में परेशानी है, तो आप तो आराम से उसके विषय में सोच सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अंदर के अंगों के विषय में भी आप महसूस कर सकते हैं गहराई में थोड़ा जा करके, या आप उससे संबंधित जो परेशानी है उसको महसूस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब देखिए, अब हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, जिसमें कि पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, तो ये जो तत्व हैं, इन तत्वों का जो अनुपात है वह अगर बिगड़ जाता है तो वो शरीर में रोग होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या आपको करना है कि ये जो है, जो 5 उंगलियाँ जो हम लोग हैं ना, ये प्रतिनिधित्व करती हैं उन 5 तत्वों का, तो आपको जो है इसके जो टिप है उसको जो है आपको ऐसे लगा लेना है, और किसी भी आपको ध्यान आसन पर बैठ जाना है, जैसे मैं पहली पद्मासन पर बैठ रहा हूँ, तो आप पद्मासन पर बैठ सकते हैं, सिद्धासन पर बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन पर बैठ सकते हैं, आप वज्रासन पर बैठ सकते हैं, सुखासन पर बैठ सकते हैं, भद्रासन पर बैठ सकते हैं, ये सब जो हैं ये ध्यान आसन। तो आप इनमें से किसी भी एक आसन को चुन लीजिए, और चुनने के बाद आप स्थिर होकर सीधा बैठ जाइए, आँख को बंद कर लीजिए, और जिस भी अंग में आपको दिक्कत है, जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा श्वास गड़बड़ हो रहा है, किसी भी हिस्से में, चाहे सीने में हो, या कंधे, या कमर, गले, गर्दन, पीठ, कहीं भी हो, तो आपको उस अंग का ध्यान करना है, और आराम से श्वास प्रश्वास लेंगे और उस अंग में थोड़ी देर में आपको जो है खून का दौरा महसूस होने लगेगा साफ। खून का दौरा महसूस होने लगेगा, बस समझ लीजिए कि आपका काम बन रहा है। आपको इतना ही करना है कि आपको खून के दौरे को महसूस कर लेना है धीरे धीरे धीरे। उसमें वहाँ पर कुछ गर्मी का भी एहसास आपको हो सकता है, वहाँ के गर्मी का एहसास हो सकता है, तो जितने आपको अनुभूति होगी गर्मी की, खून के दौरे की, कुछ लोगों को प्रकाश की तरंगें भी दिख सकती हैं, महसूस हो सकती हैं, कुछ लोगों को वहाँ पर कपकपी भी लग सकती है, वाइब्रेशंस भी दिख सकते हैं, महसूस हो सकते हैं, तो बस आपको वही करना है, उस अंग का ध्यान करना है, और यह जो है आपको इसको बंद रखना है, आराम से श्वास प्रश्वास आप लें और उस अंग पर ध्यान लगाएं और वहाँ खून के दौरे को महसूस करें। अगर आपको खून का दौरा महसूस होने में परेशानी होती है तो ये काम आप कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसानी से महसूस होगा कि आप जो है सांस को बाहर निकाल करके थोड़ी देर के लिए सांस को रोक दीजिए। सांस को बाहर निकाल के जब आप सांस को रोकेंगे तो आपको खून का दौरा तत्क्षण महसूस होगा, तो पता चलेगा। इसका धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तब आप सामान्य सांस प्रश्वास अगर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो भी आपको खून का दौरा महसूस होने लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी छोड़नी है। जिस भी अंग में आपको परेशानी है उसमें हर आपकी जो सांस जो बाहर जाएगी वो रोग को बाहर करती जाएगी, हर सांस जो भीतर आएगी वो स्वास्थ्य देते आएगी। अब आप यह जानना चाहेंगे कि मुझे कितनी देर करना है, कितनी सांस लेनी छोड़नी है, तो मैं आपको बता दूं, 1008 सांस का विधान है, 1008,
और कम से कम 108। तो कम से कम 108 आप करेंगे, धीरे धीरे ताकत बढ़ाते हुए आप 1008 तक जाएंगे। वह क्षमता जब 1008 बार तक आ जाएगी, 1008 बार श्वास प्रश्वास आप ले लिए और उस जगह ध्यान लगा लिए और वहाँ के ताप को आपने महसूस कर लिया और खून के वेग को महसूस कर लिया, तो निश्चित जानिए कि वह अंग आपका ठीक हो गया 1008 बार तक। अब यह उठता है कि कितने दिनों तक करेंगे, तो ठीक होने के 1 महीना तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यानी जब आप ठीक हो जाएंगे उसके 1 महीना बाद तक आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रतिदिन करेंगे और रोग आपका साधारण है तो 1 महीने में यह ठीक हो जाता है। असाध्य है, बहुत समय का है, तो 3 महीना लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, यह आपकी आयु पर भी निर्भर करता है। अब श्वास जो मैंने बताया आपको 1008 श्वास लेनी है छोड़नी है, अब सांस की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो सांस की लंबाई अमूमन 12 अंगुल से 16 अंगुल तक शास्त्र में बताई गई है। जब आपकी नाभि पीछे चली जाएगी बहुत, तो 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच आपकी सांस हो जाएगी, तो आराम से आप आंख बंद करके जब सांस भरेंगे तो पेट को बाहर निकाल लेंगे, फिर बाहर स्वतः निकल जाएगा और जब सांस छूटेगी तो पेट भीतर हो जाएगा। यदि आपको खून का वेग वहाँ महसूस नहीं होता है तो आप बीच बीच में थोड़ी देर के लिए सांस छोड़ करके सांस को रोक दिया करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इससे आपको खून के वेग का एहसास होने लगेगा। याद रखिए, खून के वेग का एहसास होना बहुत जरूरी है। उनका दौरा हो सकता है, जैसे जैसे ध्यान में डूबेंगे आप पूरे शरीर में महसूस हो, लेकिन फिर भी जिस जगह पर आपका विशेष ध्यान है, ये जो अंग आपका बिगड़ा हुआ है वहाँ आपको फोकस करना है, तो वहाँ पर आपको और विशेष मालूम पड़ेगा। यूँ तो पूरे शरीर में भी मालूम पड़ सकता है, लेकिन उस जगह विशेष मालूम पड़ेगा, और यहीं से आपकी प्रक्रिया एकदम सही हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं, यह निरोग ध्यान बहुत ही सफल ध्यान है। हमारे ऋषि परंपरा से यह चलते आ रहा है। यदि आपको अपने चेहरे को सुंदर बनाना है, चेहरे पर ध्यान कीजिए। चमकता हुआ ललाट बनाना है तो ललाट पर ध्यान कीजिए। मस्तिष्क को मजबूत बनाना है तो मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए। मस्तिष्क के भीतर खून का जो दौरा है उसको आपको महसूस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत शांत होना पड़ेगा और सांस प्रश्वास को रोक देना पड़ेगा।
सांस को बाहर निकाल के यानी प्रश्वास करके आप रोक देंगे थोड़ी देर, तो खून का दौरा महसूस होगा इधर। इसी तरह से कान में भी होगा, जिस भी अंग को आप चाहेंगे उस अंग में होगा। 1008 श्वास प्रश्वास तक आपको ले जाना है इसे, चाहे आपको कैंसर भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, इससे छूट जाता है। हम लोग का शरीर जो है वो, हम लोग का शरीर में जो जीन्स हैं 2388 जीन, सॉरी 23688 के आसपास जीन हैं, तो ये सब जो हैं 1,40,000 के आसपास प्रोटीन बनाते हैं। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहते हैं शरीर की आवश्यकता के हिसाब से, इसकी जो प्राकृतिक प्रक्रिया उसके हिसाब से, और जो हम ध्यान लगाते हैं जिसके विषय में सोचते हैं, और सोचने में जब हम भावना को भी जोड़ देते हैं, सिर्फ विचार नहीं बल्कि विचार के साथ जब भाव भी जुड़ जाता है, तब वह जीन जो है सक्रिय हो जाता है। तो जो जीन सोया हुआ है वह सक्रिय हो जाएगा। शरीर में ऐसे भी जीन होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे स्विच ऑफ रहे तो सही है, स्विच ऑन हो जाएंगे तो शरीर में विकार पैदा करेंगे। तो आप चाहें तो उसे स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं जीन को तो जानता ही नहीं, देखता ही नहीं, महसूस ही नहीं करता, तो कैसे करूँगा? तो आप उससे संबंधित जो अंग हैं उसका विचार कर सकते हैं ना, उसे महसूस तो कर सकते हैं। उस अंग से संबंधित जो जीन है अपने आप ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि शरीर के अंग जुड़े हुए हैं जीन से। तो उसके विषय में आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, या जिस विचार को भी आप चाहते हैं कि हो, वह विचार भी जिस जिन के द्वारा गाइड होता है वो जुड़ा हुआ है, तो बुरे विचारों का शमन हो जाएगा, अच्छे विचार का आपको मिलेगा कि उसका जो जीन है वो सक्रिय हो गया, तो अच्छे विचार के जीन सक्रिय हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है, अब अपने को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। एक मिनट में अमूमन हम लोग अगर लंबी सांस लेते हैं तो 10 से 15 सांस के बीच तो लेते ही है, यानी 600 सांस हम लोग आराम से ले सकते हैं। छः सौ से 900 के बीच में एक घंटा सांस जितनी लंबी रहेगी प्रभाव उतना अच्छा रहेगा, या बात अच्छा से समझ रहे। इसका अर्थ हुआ 1008 जो है आपको करीब 1.25 घंटा में या 1.5 घंटा में पूरा हो जाएगा। तो अधिक से अधिक आपको 1.5 घंटा तक बैठना पड़ेगा, स्थिर होकर के बैठें और श्वास प्रश्वास लें। इससे चित्त शांत और जो सकारात्मक आपकी जो जीन्स हैं वे सक्रिय हो जाएंगे। जो आपको अस्वस्थ करते हैं ऐसे जीन जो हैं आपके दब जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहते हैं हमारे जीन, और यह जो है हमारे श्वास प्रक्रिया से, हमारे विचार से,
हमारे भाव से संचालित होते हैं। तो यह काफ़ी प्रभावी है और बिल्कुल वैज्ञानिक है। आप इसे करके देखेंगे तो पाएंगे कि जैसा मैं बता रहा हूँ ठीक वैसा ही हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे इससे, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा हो, सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित नहीं बल्कि किसी प्रकार की इच्छा हो, आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये पांचों जो है तत्व संतुलित हो जाएंगे और ये आप एक संतुलित व्यक्ति होंगे। तो इसको करके देखें और इसका लाभ उठाएं। ओम।